तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रिक और रेग शिखर कैंप तक पहुंच जाते हैं, मगर वहां पर उन्हें रिसीव करने के लिए कोई गोंडोला नीचे नहीं भेजता है। जब रेग अपने हाथों के सहारे ऊपर जाने की कोशिश करता है तो अंदर से ओजन निकलती है और उसके हाथों को नीचे फेंक देती है, और उसकी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि वो रिको को जानती है। अब देखेंगे इसके आगे। अब जाकर गोंडोला को नीचे भेजा जाता है जिसमें रिको और रेग सवार हो जाते हैं। ऊपर जाते वक्त कर्ज की वजह से रिको को थोड़ा अजीब लग रहा है, मगर बिना किसी दिक्कत के वो दोनों ऊपर तक आ जाते हैं। अब ओजन निकलती है और बताती है कि यहाँ पर कर्ज का असर थोड़ा कम है, मगर लगता है कि तुम पर अभी भी असरदार है। वो दोनों बच्चे अभी भी ठीक हैं, इसीलिए ओजन उनकी तारीफ करती है। रिको आगे आकर अपना नाम बताती है और अचानक उसे उल्टी होने लगती है। अब ओजन कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम लाइजा की बच्ची हो। ये सुनकर रेग ओजन की तरफ देखता है और उसे अंदाजा लगता है कि वो कितनी ज्यादा बड़ी है। रेग को लगता है कि वो कम से कम 2 मीटर की तो होगी ही, मगर रेग के पल्ले नहीं पड़ रहा है कि ओजन के बाल इस डिजाइन के कैसे हैं। अब उसके गले में एक व्हाइट विसल को देखते ही रेग समझ जाता है कि ये जरूर ओजन दी इमूवेबल है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ओजन के हाथों में लाइजा का विसल है और वो कन्फर्म करती है कि वो ही ओजन दी इमूवेबल है। ये सुनकर रिको सबसे पहले उसकी जान बचाने के लिए ओजन से शुक्रिया कहती है। रिको कहती है कि उसे लीडर से पता चला कि ओजन और उसकी मॉम ने मिलकर कर्स रिपेलिंग वेसल के सहारे उसे ऊपर लाया था। अब ओजन कहती है वो वक्त बहुत बेकार था, वो वेसल इतना भारी था कि उसे छोड़कर वापस आ जाने का मन करता था। काश मैंने ऐसा ही किया होता तो अनहर्ड बेल आसानी से मिल जाता और वो बच्ची भी अभी मेरे साथ होती। अब ओजन कहती है तुम तो एक रेड विसल हो। रिको अपने बैग से लेटर के टुकड़े को निकालती है और कहती है कि वो अपनी मॉम को ढूंढने जा रही है। रिको बस कुछ सवालों के जवाब चाहती है, इसके बाद वो चुपचाप यहाँ से चली जाएगी। इतने बकवास रीजनिंग को सुनकर ओजन डिसअपॉइंट हो जाती है, मगर वो जानना चाहती है कि रेड विसल होने के बावजूद वो इतना नीचे कैसे आ गई। उसे लगता है कि रिको ने जरूर मदद ली होगी। अब ओजन मारूक को पास बुलाकर कहती है इन बच्चों का ध्यान रखना, और वैसे भी एक बच्चा ही बच्चे से बात कर सकता है। ओजन को कुछ काम है इसीलिए वो उनसे कल मिलेगी कहती है। अब मारूक आकर दोनों को एक एक ब्लू विसल देती है। ये विसल वो दोनों जब तक यहाँ पर हैं उतने वक्त के लिए है, ताकि दूसरे केव रेडर्स को शक ना हो कि एक रेड विसल यहाँ पर कैसे आ गई। इंश्योरेंस के लिए लाइजा का विसल ओजन के पास है और वो लोग जब वापस जाएंगे तब वो उसे लौटा देगी। अब ओजन जाते वक्त रिको से नहाने को कहती है क्योंकि उसके शरीर से काफी बदबू आ रही है। मारूक कहती है चलो मैं तुम्हें ये जगह दिखाती हूँ। अब पता चलता है कि शिखर कैंप एक खोखले पेड़ के अंदर बना हुआ है जिसका नाम है ग्रेट पोर्टा। इतने सालों के बाद भी इसका इंटीरियर कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रहा है। कहा जाता है कि इस पेड़ की जड़ें अभी इसके बाहर समुन्दर के तह तक जाती हैं। रेग पूछता है ये बात सच है क्या। मारूक कहती है इस बात को किसी ने वेरीफाई तो नहीं किया है, मगर कहा जाता है कि सतह से न्यूट्रिएंट्स लेने की वजह से ये पेड़ इतना ज़्यादा बड़ा है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा रोशनी नहीं गिरती है। इसी तरह से वो तीनों एक कमरे में आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारा सामान है और वहीं पर बहता हुआ पानी भी है। रिको जल्दी से जाकर खुद को साफ करना चाहती है। अब सामान रखते वक्त रेग देखता है कि वहाँ पर फ्लावर्स ऑफ फोर्टिट्यूड उगाए गए हैं जो इटरनल फॉर्चून्स के नाम से भी मशहूर हैं। अब मारूक कहती है कि अगर रिको ने नहीं बताया होता तो मैं नहीं जान पाती कि तुम एक रोबोट हो, और वैसे भी तुम्हारे लंबे हाथ काफ़ी अच्छे हैं। रेग कहता है सच कहूँ तो मैं भी खुद को एक रोबोट नहीं मानता हूँ, देखा जाए तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं कौन हूँ। अब रेग कहता है अगर बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। मारूक कहती है ज़रूर पूछो। वो कहता है तुम लड़का हो या लड़की। अब हम देखते हैं कि मारूक और रेग काफ़ी मज़े से बातें कर रहे हैं और रिको नहाकर वापस आ जाती है। रिको को देखकर वो दोनों शर्मा जाते हैं, तो वो कहती है माफ़ करना मगर मुझे एक सूखा कपड़ा चाहिए होगा। वो लोग जल्दी से कपड़ों का इंतज़ाम करते हैं और ये सीन यहीं पर ख़त्म होता है। रिको ने कपड़े बदल लिए हैं और रेग भी नहाकर आ जाता है, तो मारूक खाना लेकर आती है। अब रिको पूछती है वो इतनी छोटी उम्र में कैसे एक ब्लू विसल बन गई। मारूक कहती है नॉर्मली 15 साल होने पर ही ब्लू विसल का दर्जा मिलता है, मगर शायद ओजन का पर्सनल अप्रेंटिस होने की वजह से मुझे ये जल्दी मिल गया। अब खाना परोसते वक्त मारूक अपनी कहानी बताती है। बचपन में उसका एक्सीडेंट हो गया था तो ओजन उसे यहाँ लेकर आ गई और तब से वो यहाँ पर है। मारूक अब सतह पर वापस नहीं जा सकती है क्योंकि उसका स्किन लाइट सेंसिटिव है। अब वो लोग सारा खाना ख़त्म कर देते हैं और बात करते वक्त मारूक कहती है मुझे ढूंढने के बाद मास्टर ने शिखर कैंप का पूरा जिम्मा अपने सर पर ले लिया। मास्टर का कहना है कि वो ऐसा करती हैं ताकि उन्हें बार बार ऊपर जाना ना पड़े, मगर मुझे लगता है कि वो असल में ये सब मेरा ध्यान रखने के लिए कर रही हैं। उसके कहने का मतलब है
कि यहाँ पर उसका अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है। रिको कहती है, डरावनी दिखने के बावजूद वो एक अच्छी मेंटर है ना। ये सुनकर मारू को काफी अच्छा लगता है। अब हम ओजेन को देखते हैं जो बाहर लाइजा की याद में डूबी हुई है। अब बर्तन धोते वक्त रेग मारूक से पूछता है, क्या तुम उन रिलिक्स के बारे में कुछ बता सकती हो, क्योंकि रिको को उनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मारूक कहती है, ये एक्स्ट्रा बचे हुए रिलिक्स हैं, इसीलिए यहाँ पर पड़े रहते हैं। वो सब के सब ग्रेड 4 रिलिक्स हैं। ये सुनकर रिको बहुत खुश हो जाती है और अपने पास रखे हुए रिलिक्सन स्फीयर को उनके साथ कंपेयर करती है। वो दोनों काफी सिमिलर हैं, मगर इन रिलिक्स में काफी कॉम्प्लेक्स डिजाइन है। मारूक कहती है, यहाँ के ज्यादातर रिलिक्स अंडे की तरह दिखते हैं। अतीत के लोग इन्हें टूल्स की तरह यूज करते थे, फिर भी इन्हें देखकर कुछ मिस्टीरियस सी फीलिंग आती है। अब मारूक कहती है, एक काम करते हैं, मैं जाकर मास्टर से परमिशन ले आती हूँ ताकि तुम लोग यहाँ पर केव रेडिंग करते हुए कुछ और दिन रुक जाओ। मेरे उम्र के बच्चे यहाँ कभी नहीं आते हैं, इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ कुछ और दिन बात करने का मन है। रिको को भी यह अच्छा आइडिया लगता है, मगर उसे याद आता है कि वो अपनी माँ की तलाश में निकली हुई है। रिको को अपनी माँ की हालत के बारे में कुछ नहीं पता है, इसीलिए वो कन्फ्यूज्ड है, उसे जल्दी करनी चाहिए या नहीं। वो श्योर नहीं है, इसीलिए वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी नीचे जाना चाहती है। अब मारूक थोड़ी सी निराश हो जाती है, मगर कहती है, अब तो लगता है कि जितनी बातें करनी है आज ही करनी होगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों सो रहे हैं और रिको को बाथरूम जाना है, इसीलिए वो उठ जाती है। वो नींद में है और थोड़ा सा आगे जाते ही उसे लगता है कि कोई और भी वहाँ पर है। रिको को लगता है कि ओजन होगी, मगर पास के कमरे में कोई नहीं है। अब आगे के कमरे से आवाज आती है तो रिको वहाँ चेक करने के लिए चली जाती है। वहाँ के अंधेरे कमरे में रिको को कुछ भयानक चीज दिखाई देती है। वहाँ पर एक अजीब सा मॉन्स्टर है। मॉन्स्टर पर जैसे ही वहाँ के डिब्बे गिर जाते हैं, रिको मौके का फायदा उठाकर वहाँ से निकल जाती है। रिको भागते हुए आती है और अपने बेड की जगह पर रेग के बेड में घुस जाती है। वो अभी भी डरी हुई है क्योंकि उसे ऐसी किसी चीज के बारे में पता नहीं था। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेडशीट भीगा हुआ है और मारूक रिको से कहती है, चिंता मत करो, बचपन में मैं भी ऐसा ही करती थी। रेग पूछता है, मगर तुमने अपने बेडशीट की जगह मेरे बेडशीट को कैसे गीला कर दिया? रिको कहती है, मैंने टॉयलेट जाने की कोशिश की थी, मगर बाहर निकलने पर मैंने कुछ भयानक देखा। वो जो भी था इस दुनिया का नहीं था, इसीलिए मैं बहुत डर गई और भाग कर रेग के साथ सो गई। हंसते हुए मारूक कहती है, तुम भी कैसी कैसी बातें करती हो, आज तक किसी ने भी यहाँ पर भूत दिखने के बारे में कुछ नहीं कहा है। दूसरी तरफ कांपता हुआ रेग कहता है, क्या बात कर रही हो रिको, इस तरह की डरावनी चीजें तो तुम रोज देखती हो। अब रिको कहती है, मगर मेरी माँ के डॉक्यूमेंट्स में उस तरह के एक भी क्रिएचर का जिक्र नहीं था। अब उनकी बातें सुनते हुए ओजन वहाँ पर आ जाती है। उसे देखते ही रिको परेशानी के लिए माफी मांगती है, तो ओजन कहती है, अब समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है कि तुम उन चीजों को समझ नहीं पा रही हो, बात यह है कि ना तो उस लड़के ने और ना ही हाबोल्ग ने तुम्हें उसके बारे में कुछ बताया है ना। रिको पूछती है, क्या नहीं बताया है? तो ओजन कहती है, अगर तुम्हें जानना है तो मेरे पीछे आओ, मगर इससे बेहतर होगा कि तुमने जो भी देखा है उसके बारे में भूल जाओ। मगर रिको और रेग डिसाइड कर लेते हैं कि वो लोग अब पीछे नहीं हट सकते हैं। अब वो सब ऊपर की तरफ जाने लगते हैं तो एक आखिरी बार ओजन पूछती है, तुम अपनी माँ को ढूंढने के सफर पर निकली हो ना? रिको कहती है, मेरी माँ ने मुझे बुलाया है। तो ओजन विसल दिखाते हुए कहती है, तुम्हें ये सतह पर मिला था ना, इसका मतलब है लाइजा मर चुकी है, तुम्हारा सफर यहीं पर खत्म होता है। रिको पूछती है, आखिर तुम्हें वो विसल और लेटर कहाँ पर मिला था? वो कहती है, एक कब्र पर। रिको के होश उड़ जाते हैं तो ओजन कहती है, मुझे याद नहीं आ रहा है कितने दिनों पहले की बात है, मगर चौथे लेयर द गोबलेट्स ऑफ जेंट्स में इटर्नल फॉर्च्यून्स का एक झुंड है और वहीं पर एक सुनसान कब्र है। वैसे ये काफी सही बात भी है क्योंकि लाइजा को वो जगह बहुत पसंद थी। रिको इन बातों पर यकीन नहीं कर पा रही है क्योंकि उसके पास लेटर का एक टुकड़ा है। ओजन कहती है, तुम गलत हो, ये लाइजा की हैंडराइटिंग नहीं है। मुझे नहीं पता वो कागज का टुकड़ा यहाँ कैसे आया, मगर लाइजा मजाक में भी इतनी घटिया चीज नहीं लिखेगी। क्या तुम एक बार फिर से बताओगी पाताल लोक में तुम किस कारण की वजह से उतर रही थी? क्या तुम्हें याद भी है? रिको खुद जाकर ये सब देखना चाहती थी तो वो कहती है, अरे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, क्या तुम जाकर उसकी कब्र खोदोगी? रिको उदास होकर कहती है, मैं बस रेग और डॉक्यूमेंट्स में जो फिगर था उनके बीच का रिलेशन ढूंढना चाहती थी। अब हंसते हुए ओजन कहती है, ओ तो ये बात है। वो सब ऊपर आ गए हैं जहाँ पर ओजन का प्राइवेट कमरा है। वो लोग सच्चाई जानने के लिए वहाँ पर आए हुए हैं और धीरे से दरवाजा खोलकर ओजन कहती है, शर्माओ मत, अंदर आओ। वो सब अंदर आते हैं और वहाँ पर बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं। जल्द ही रिको नोटिस करती है कि वहाँ पर एक बड़ा सा सफेद स्ट्रक्चर है।
इस मिस्टीरियस एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करते हैं और अगले एपिसोड में जिन चीज़ों का खुलासा होगा वो आपके होश उड़ा देंगे। इसीलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और अपना प्यार दिखाना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना। मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और थैंक्स फॉर वॉचिंग।